युवा जनजाति प्रतिभा सम्मान एवं सामाजिक मिलन समारोह का हुआ आयोजन। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके शामिल, छिंदवाड़ा के प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। मंडी में शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ के साथ बोली की हुई शुरुआत, मूंग की लगी बोली। अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष सहित मंडी सचिव रहे उपस्थित। देश भर में धूमधाम से मनाया गया भाई दूज का त्योहार। बहनों ने भाई के माथे पर टीका लगाकर निभाया प्यार, तो वहीं भाई ने बहनों को दिया उपहार। सूर्य ग्रहण के कारण एक दिन आगे बढ़ा भाई दूज। और नगरपालिक निगम के आदेशों की अवहेलना करना अब पड़ेगा भारी। निगम कमिश्नर ने जारी किया आदेश, अब सड़क पर नजर आए दुकानदार तो होगी कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। युवा जनजाति प्रतिभा सम्मान एवं सामाजिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा की बेटी और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके शामिल हुई। कार्यक्रम में आदिवासी छात्र छात्राओं द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक बंधुओं को भी राज्यपाल के द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान महापौर विक्रम आहके, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह एवं मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में दीपावली मिलन समारोह के अंतर्गत आमजन से राज्यपाल ने मुलाकात भी की और हालचाल जाना। ऐसा आप सभी से हमारा आग्रह था। हमारे बीच में छिंदवाड़ा महापौर श्री विक्रम अहिके जी सम्माननीय मंच पर विराजमान है। सभी का निवेदन है, इनके माध्यम से लेके महापौर है, निरंतर सामाजिक कामों में हमें सहयोग प्रदान करते रहते हैं। स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें, साथ ही हम करता दलियों के साथ में। शुभ मुहूर्त के साथ आज से मंडी में खरीदारी शुरू हुई। खरीदारी के पूर्व मंडी सचिव और मंडी अध्यक्ष के द्वारा पूजा पाठ कर विधि विधान से इसकी शुरुआत की गई। मूंग की दाल की बोली के साथ मंडी की खरीदारी शुरू हुई। शुभ मुहूर्त काल में शुरू हुई बोली में बड़ी संख्या में किसान और व्यापारी शामिल हुए। इस मौके पर मंडी सचिव और अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष द्वारा विधि विधान से पूजा पाठ की गई। इसके बाद ही बोली लगाई गई, जो कि सचिव की उपस्थिति में हुई। अब लगातार व्यापारियों द्वारा किसानों से खरीदी की जाएगी। ओम एतद्गुंग हवेः प्रजानानां मे अस्तु दशवीरद्गुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसनि लोकसन्नभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं सन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कुलिताल काये कपाल मालांकित शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः। बोलिए भगवान की जय। मैया की जय। पातालेश्वर धाम की जय। धर्म की जय। धर्म का नाश। क्षमा प्रार्थना के साथ में मंत्र पुष्पांजलि
हरि ओम। पचहत्तर सौ 8,000 9,100 9,100 2,100 ये ऐसे होंगे 1,100,000 12,100 12,100 13,100 14,200 14,500 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
लाभ के चौगड़िया में 12 बजे यहाँ मंडी में दीपावली का शुभ मुहूर्त आज दूज के अवसर पर किया गया, जिसमें मूंग की बोली 1,12,100 रुपये में माननीय सचिव महोदय द्वारा लगाई गई और पंचवटी ट्रेडर्स में वह बोली फाइनल हुई। हम छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ की तरफ से सभी को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। साथ ही आज हमारी कार्यकारिणी ने हमालों को विशेष उपहार के रूप में 25 पैसे का हमारी दर में बढ़ोतरी की है, जिसके लिए हम सभी किसान हमाल और व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। साथ ही हमारे द्वारा किसानों से काटे जाने वाली हमाली में 1 रुपये की वृद्धि नहीं की गई है। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, धन्यवाद। श्री गांधीगंज व्यापारी मंडल की तरफ से सभी व्यापारी भाइयों को, किसानों को, मजदूरों को, हमाल भाइयों को, सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि सबके दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई और बहन के प्यार के रूप में पहचाने जाने वाले त्योहार भाई दूज पर आज बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनके लिए मंगल कामना की। सूर्य ग्रहण के चलते यह त्योहार एक दिन आगे बढ़ गया, जिसके बाद बहनों ने इंतजार करते हुए अपने भाइयों को तिलक लगाकर भाई दूज पर्व की शुभकामनाएं दी। भाई दूज पर्व बहन और भाई के बीच प्यार के संबंध को बताता है। इस अवसर पर छिंदवाड़ा में विभिन्न जगह सार्वजनिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। भाई दूज का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि भाई बहन के प्रेम संबंधों को व्यक्त करने का और भाई बहन के प्रति श्रद्धा और विश्वास का एक त्यौहार होता है। और एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसों के राजा नरकासुर का वध करके अपनी बहन सुभद्रा के पास गए थे, तो सुभद्रा ने उनका आरती तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया गया था, जब इसे ये भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता। खबरों वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। शुद्धता और क्वालिटी की पहचान पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम। दीपावली के शुभ अवसर पर पूजा श्री आपके लिए लेकर आए हैं अब तक की सबसे बड़ी महा उपहार योजना, जिसमें आप पाएंगे ऑफर ही ऑफर। हॉलमार्क ज्वेलरी की बनवाई पर 20% की छूट, 23 कैरेट ज्वेलरी पर बनवाई फ्री, अप टू 30% डिस्काउंट पाएं डायमंड ज्वेलरी पर, 100% तक कैश बैक ऑन डायमंड ज्वेलरी। तो आज ही आए पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम और उठाएं महा ऑफर का फायदा। लेटेस्ट और डिजाइनर ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी एवं ज्वेलरी की संपूर्ण रेंज, बेस्ट क्वालिटी और विश्वास के साथ सिर्फ पूजा श्री गोल्ड सिल्वर एंड डायमंड शोरूम।
पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास की परंपरा। पूजा श्री ज्वेलर्स गोल्ड सिल्वर एंड डायमंड शोरूम, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। दीपावली की खुशियां मनाइए श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांडेड शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रिकल्स। एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर एवं होम अप्लायंसेज। इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट की संपूर्ण रेंज, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पाएंगे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड कंपनीज के सामान की एब्सोल्यूटली ब्रांडेड रेंज। पैनासोनिक, ह्युंडई, इंटेक्स, वर्लपूल, फिलिप्स, सेलो, कैल्विनेटर, टाइकन जैसे सभी बड़े ब्रांड्स के अप्लायंसेज। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्ट्रेट रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नगर पालिक निगम द्वारा कई बार आदेश देने के बावजूद भी फुटकर व्यापारी सड़क के दोनों ओर दुकानें लगाकर बैठ रहे हैं, जिसके कारण आवाजाही करने वाले वाहनों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते नगर पालिक निगम कमिश्नर के आदेश के बाद स्वच्छता निरीक्षक एवं नगर पालिक निगम का अमला जेल बगीचा स्थित मंडी में साफ सफाई करने पहुंचा। इसके साथ ही सड़कों पर बैठे फुटकर सब्जी विक्रेताओं को निर्धारित चबूतरा सेट पर दुकान लगाने की बात कही, साथ ही हिदायत दी कि ऐसा ना करने पर दूसरी जगह दुकान लगाए पाए जाने की स्थिति में सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश हुए थे कि जो एमएलबी के बीच से जो चबूतरा बना है बाजार का, कल शिफ्ट होना है, यहाँ रोड पे लगी है दुकानें, उनको शिफ्ट करना, तत्काल सफाई करने के निर्देश प्राप्त हुए। हम लोग उसी में लगे हैं साफ करके बुलवा के, कल रोड में जितनी बाजार है यहाँ पे। जिला अस्पताल लगातार अपनी अनियमितताओं के कारण सुर्खियों में बना रहता है। इसी के चलते एक बार फिर शिकायतों का दौर जिला अस्पताल को लेकर जारी हुआ, जिसमें निर्धारित समय देने के बाद भी सोनोग्राफी के लिए भटकती हुई महिलाएं नजर आईं। छिंदवाड़ा में अन्य विधानसभा से आकर जिला अस्पताल में इलाज कराने वाली महिलाओं को सोनोग्राफी समय पर न होने से परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके चलते सोनोग्राफी सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली। ऐसे में परिजन भी आक्रोश में नजर आए। बताया गया कि समय देने के बाद भी सोनोग्राफी स्टाफ उपस्थित न होने के चलते यह स्थिति निर्मित हुई। अमृत से आ रही हूँ महावीर मंदिर, 7 तारीख को भी आई थी पर 7 तारीख को सोनोग्राफी हुई नहीं थी। फिर उनने डेट दिए है कि 10 तारीख को आना, मंगलवार के दिन में 10 तारीख को आई थी यहाँ 8 बजे, तो फिर मेरी सोनोग्राफी नहीं हुई। नंबर लगने के बाद में भी फिर बोलते पानी पी के आओ, तो फिर मैं पानी पी के आ गई, आधा घंटा रुको बोले आधा घंटा रुके, फिर मेरा नंबर फिर से आ गया, मैं गई तो 10 मिनट बाद गई, तो फिर डॉक्टर चले गए थे। आज आप जब आए थे तो क्या हुआ? आज भी आए तो आज भी वही हुआ मेरे साथ कि आज डॉक्टर नहीं आ रहे, तो बोल रहे कि घर जाओ कल आना। एक मैडम ने नंबर भी लिख के दी कि बोले मेरे से फ़ोन करके आना। फिर उसके बाद उनने भी 10 तारीख को उनने मेरे यहाँ मिस्टर को बताया था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कुछ रह गए हैं, परिचय पत्र लग रहा है ला के दो, तो उनने वो आ भी गए लेके, फिर भी मेरी सोनोग्राफी नहीं हुई थी। फिर मैंने मैडम को पूछी कि मैडम सोनोग्राफी क्यों नहीं हो रही है, तो मैडम ने फिर मेरे को बोला था 200 रुपये लगेंगे दोगे क्या, तो मैंने बोली मैडम मेरे मिस्टर आने तक के वेट करना पड़ेगा। दो बातें भी हुई थी उनके साथ, फिर भी मेरी सोनोग्राफी नहीं। मेरे यहाँ मिस्टर को बोला था कि 200 रुपये दो, सोनोग्राफी हो जाएगी अपनी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सारिका दीपक चांदे। सोनोग्राफी लिए आया था तो यहाँ पे मैडम ही नहीं है, 3 दिन से मैडम ही नहीं है यहाँ पे, मैं आ रहा हूँ बार बार और मैडम छुट्टी पे ज़्यादा बोल रहे हैं। मेरे को डेट जो दी थी उस डेट के बारे में देखो 29 तारीख को डेट में आऊँगा, तो अब मैडम छुट्टी पे है, ना फ़ोन उठा रहे ना इन लोग। एक तो यहाँ का जो स्टाफ है वो कभी ढंग से बात किए नहीं है, और मैं आया हूँ तो बोलते मेरे से, मैं उससे पूछा था जानकारी तो मेरे को चिल्ला के बात कर रहा था, और मैंने जो भी बात किया तो बोलते मेरे को अब गया मैं सर के पास, सर के बोले है ही नहीं, तो मेरे को 29 तारीख अभी 29 तारीख को बोल दिया, डेट से बढ़ाते जा रहे हैं बार बार और कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या नाम आपका? मेरा नाम विकास रामानंद। कहाँ रहते हो? कुंडी बताने के पास।
जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आज जिला न्यायालय में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्तागण एवं न्यायाधीशों ने शिरकत की और सभी को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में नौ निर्वाचित सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। विगत दिनों चुनाव के माध्यम से सदस्यों को चुना गया था, जिसके बाद आयोजित हुए कार्यक्रम में उनका परिचय देते हुए उनको सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीशगण, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता व संघ के पदाधिकारी सदस्यगण उपस्थित रहे। मैं इस दीपावली के पावन अवसर पर आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हमने दीपावली मिलन कार्यक्रम के लिए कार्यकारिणी ने तय किया कि कार्यक्रम हमें करना है, तो सब अलग अलग विचार सबके थे। दो वर्षों से कोविड-19 के कारण कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सका था, और जो परंपरागत रूप से दीपावली मिलन का कार्यक्रम किया जाता है वह भी किया जाना चाहिए, संगीत का कार्यक्रम भी होना चाहिए। तो इन सब विचारों को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार करते हुए हमने आज का दीपावली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया। दीपावली की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये कार्यक्रम जो रखा गया ये हमारे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पार्षद या सरपंच किसी भी प्रकार के चुनाव में जब विजय हासिल होती है तो सबसे पहले वो व्यक्ति स्वयं के साथ में उस सीट के लिए गौरवान्वित होता है कि वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ। मैं जब निर्वाचित हुआ तो मुझे इस बात से सबसे ज्यादा खुशी थी कि मैं छिंदवाड़ा भारत का सदस्य हूँ। लगभग 14 से 15 वर्षों से मैं यहाँ पर, कि कभी हमें न्यायालयीन कार्रवाई में किसी प्रकार की कोई सहयोग में दिक्कत नहीं। आज चुनाव हुए जुलाई में और जुलाई के बाद से लेकर आज नवंबर का महीना आ गया, मेरे टेबल में मेरे जूनियरों को कभी भी आप लोगों का विशेष सहयोग रहा, इसके लिए आप लोगों का विशेष विशेष धन्यवाद है। अभी जो नव निर्वाचित हमारे सदस्यों को स्वागत हुआ, सभी हमारे साथीगण, सभी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मेरे कनिष्ठ अधिवक्ता साथी, ये दीपावली मिलन का समारोह हर वर्ष आयोजित होता है, परंतु इस बार हमारे अध्यक्ष जी ने जो हमारे लोग जीते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हैं हमारे सब साथी अधिवक्ता उसको समझते हैं। मैं सबसे पहले अपने जो जूनियर साथी अधिवक्ता उनको कहना चाहता हूँ कि वकालत में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बात ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, इसमें बिना मेहनत किए हमें कुछ मिलना नहीं। हम जितनी मेहनत करेंगे, जितनी गहराई तक जाएंगे, हम उतना जितना कानून ज्ञान हमको होगा वो हमारे लिए मदद करेगा। खबरों वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन फेस्टिव ऑफर, 30 नवंबर 2022 तक खुशियां मनाएं हमारे संग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब से खरीद पर पाएं प्रथम उपहार 10 ग्राम गोल्ड कॉइन, द्वितीय उपहार 5 ग्राम गोल्ड कॉइन, तृतीय उपहार 2 ग्राम गोल्ड कॉइन, 0% ब्याज दर, आसान किश्तें, कैशबैक ऑफर्स, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार,
वैवाहिक पैकेज और हर खरीद पर निश्चित उपहार। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, होम थिएटर, माइक्रोवेव ओवन और आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, ब्लू स्टार, टीसीएल, जनरल, डाइकिन, सिंफनी, राम कूलर्स और कैंट मिनरल आरओ जैसे बड़े नामों के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। आसान फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा के साथ आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा और शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, एमडी मेडिसिन, 40 वर्षों से मेडिकल स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रेगनेंसी डायबिटिक रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, FEAC फेलोशिप ऑफ यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी, TMT, इको कलर डॉक्टर, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परामर्श हेतु पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर विनीता वर्मा, MD पैथोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटराइज पैथोलॉजी लैब, हिस्टोपैथोलॉजी भी उपलब्ध है। समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, मेन रोड, गुलाबरा, गली नंबर 9। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। वार्ड क्रमांक 29 में ढीमर समाज द्वारा माता चंडी की पूजा करने के उपरांत मड़ई मेले का शुभारंभ किया गया। रास्ते भर ढोल नगाड़ों के साथ युवा, महिला, पुरुष सभी ने जोश और उत्साह के साथ ढीमरी मोहल्ला सिंह वाहिनी मंदिर से मड़ई मेले की शुरुआत की। रास्ते भर विभिन्न घरों में रुकते हुए पूजा अर्चना का कार्यक्रम हुआ। यह मेला छापाखाना बुधवारी बाजार होते हुए इतवारी बाजार में संपन्न हुआ। इस मेले में सुशील कहार, संदीप कहार, मुरारी वर्मन सहित वार्ड के पार्षद राहुल मालवी पूरी यात्रा के दौरान उपस्थित रहे। सभी ने लोगों के जीवन में खुशहाली रहे ऐसी प्रार्थना माता रानी से की और सभी ने नाच गाकर आनंदमय पूर्वक इस कार्यक्रम को उत्साह के साथ मनाया। बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया और अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने जल्द निराकरण की मांग उठाई। ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया। सार्वजनिक क्षेत्र से अतिक्रमण सहित शराब बिक्री के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपते हुए बहुजन समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने सभी शिकायतों के जल्दी निराकरण की मांग उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय स्तर पर सांठ गांठ के चलते लगातार असामाजिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक स्थल से अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी जिला छिंदवाड़ा के तत्वावधान पर महामहिम राज्यपाल महोदय को इस आशय का ज्ञापन सौंपा गया है कि जो वर्तमान में अभी हाल में जो घटना हुई दमोह के अंदर और जो अहरवार समाज के साथ वहां के सवर्ण समाज के द्वारा 3 लोगों को गोली मारकर हत्या की है, बहुजन समाज पार्टी जिला कमेटी इसकी निंदा करती है। और अभी वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर परम पूज्य अमरवाड़ा पार्क में के किनारे दारू भट्टी ठेकेदार के द्वारा लगाई गई है, जो अनैतिक रूप से किसी प्रकार कोई परमिशन नहीं, उसे भी हटाया जाए। और वर्तमान में यहाँ जो राजकुमारी गोनेकर का जो मकान है वो लगातार उसका परिवार 18-20 वर्षों से वहाँ निवास कर रहा है और उसको भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल के माध्यम से उसे प्रशासन को दबाकर उन्हें नोटिस भी जा रही है ताकि उसका मकान तोड़ दिया जाए।
बहुजन समाज पार्टी इन तमाम चीजों का विरोध करती है और बहुजन समाज पार्टी इन तीनों मांगों को तत्काल प्रशासन ध्यान में ले और उचित कार्रवाई करे और उनको नहीं तो बहुजन समाज पार्टी जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगी। इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। एडवोकेट सीताराम कटारे, बहुजन समाज पार्टी जिला प्रभारी छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम सारंगबीरी पर भाई दूज पर मड़ई मेले का आयोजन किया गया। इसमें दूर दूर से आए ग्वालवंशी जमकर थिरके उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टोली को समिति ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दूर दूर से आए ग्वाल टोली ने मनमोहक अहिरी नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। इसे देखने आसपास से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। मड़ई मेले के अवसर पर दूर दूर से दुकान लगाने आए दुकानदार की जमकर बिक्री होने से उनकी आंखों में चमक साफ देखी जा रही थी। सभी यदुवंशी टोली द्वारा आयोजन समिति का विशाल इनामी मड़ई व अहिर नृत्य कला प्रदर्शन प्रतियोगिता आयोजन पर आभार व्यक्त किया गया। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री नाना भाऊ मोहड़, जिला पंचायत सदस्य ललिता विलास समेत ग्रामीण जन उपस्थित रहे। सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। मैं चाहता हूँ तो ऐसा ही कार्यक्रम हमेशा चलते रहे और जो भी हमारे समिति के लोग निर्णय दिया होगा वो अच्छा लिया होगा। हारने वाला और जीतने वाला इसमें अंतर नहीं होता। जो भी कमी होती आगे आप जो हार गया उसकी जो कमी होगी वो आगे अपनी कमी वो भी आगे अपने आने वाले समय में प्रथम स्थान लेंगे। खबरों वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाएं त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5999, आज खरीदें पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से, आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लेमिनेट द्वारा सौंदर्यकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लूरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं अलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ, फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। भाजपा जिला अध्यक्ष के द्वारा विगत कई दिनों से लगातार ग्रामीण बस्ती में पहुंचकर दीपावली की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। इसी क्रम में लगातार वे मिठाइयों का वितरण कर रहे हैं। इसी के चलते भाजपा जिला अध्यक्ष के साथ भाजपा कार्यकर्ता ग्राम खुटिया क्षेत्र में पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने बस्ती क्षेत्र की जनता को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही सभी को मिठाई वितरित की। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष ने सभी जिलेवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की।
तू घर जा भैया, देख बैठा देना, अरे दारू नहीं मिलेगी, ध्यान देना भैया छिंदवाड़ा तेजी से महानगरों की तर्ज में उभर कर सामने आ रहा है। छिंदवाड़ा में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, यह बात हमें समय समय पर देखने को मिलती है। एक बार फिर छिंदवाड़ा के युवा अपनी प्रतिभा को साबित करेंगे। जी हां, आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जिले के कलाकारों को मंच प्रदान कर स्थानीय स्तर पर तैयार की गई फिल्मों का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। इसी को लेकर स्थानीय राजा की बगिया में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समिति के अध्यक्ष अभिजीत परमार सहित बड़ी संख्या में उभरते हुए कलाकार उपस्थित रहे। लगातार छिंदवाड़ा के कलाकार बड़े मंच की तलाश में रहते हैं, इसी कमी को पूरा करते हुए जल्द ही छिंदवाड़ा को छिंदवाड़ा में ही बनी नई फिल्म देखने को मिलेगी। फैशन शो है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को हमको उनको लेके आना है और थिएटर के माध्यम से। और जो कोरोना काल में जब हमारे पुलिस वालों ने और बहुत से समाज सेवकों ने हमारे लिए सेवा करी, जो हम लोग घर के अंदर थे, उनके लिए पहला दिन रखना है कि हम उनके लिए एक शो ऑर्गेनाइज करें। शो लेकर बहुत चर्चा थी। सबसे पहले फिल्म के मेरे पास आए अभिजीत भाई, ये जब चर्चा चली थी एक फिल्म फेस्टिवल छिंदवाड़ा में पहली बार हमको। आज छिंदवाड़ा फिल्म फेस्टिवल की बैठक राजा की बगिया में संपन्न हुई, जिसमें छिंदवाड़ा के समस्त कलाकार मौजूद रहे, जिसमें यह चर्चा हुई कि 9 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक छिंदवाड़ा में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी जितने भी छिंदवाड़ा शहर के कलाकार हैं, आजू बाजू जिले के कलाकार हैं, सभी रहेंगे। और इसमें शॉर्ट फिल्म्स हमारे सभी जगह से आएगी, बॉम्बे, दिल्ली, हरियाणा, रायपुर, बहुत सारी जगह से यहाँ पर शॉर्ट फिल्म्स आएगी, जिसमें जिले की हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप लोग भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लें और आप लोग भी 5 मिनट से 15 मिनट तक की एक शॉर्ट फिल्म बनाएं, कि जिससे हमारे छिंदवाड़ा ज़िले का नाम रोशन हो और छिंदवाड़ा की वादियों में जो प्रगति है उस पे बनाएं। और इसका सब्जेक्ट ऑल है, आप किसी भी सब्जेक्ट में इस मूवी को बना सकते हैं। धन्यवाद। एकता पार्क के पीछे निर्माणाधीन नगरपालिक निगम की बिल्डिंग के निरीक्षण के लिए निगम आयुक्त राहुल सिंह पहुंचे। उन्होंने बारीकी से बिल्डिंग का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। योजना शाखा की नवनिर्मित बिल्डिंग के निर्माण कार्य को लेकर अचानक निगम आयुक्त निर्माण स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बारीकी से बिल्डिंग के कार्यों का मुआयना करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही बिल्डिंग को साफ सुथरी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए ठेकेदार को सुझाव भी दिए। दीपावली पर्व के बाद से शहर में अहिरी नृत्य की टोलियां घूमने लगी हैं। इस पर्व के दौरान इनका विशेष महत्व होता है। ये टोलियां घरों घर जाकर नृत्य कर सभी को पर्व की शुभकामनाएं देती हैं।
ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। युवा जनजाति प्रतिभा सम्मान एवं सामाजिक मिलन समारोह का हुआ आयोजन, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके शामिल, छिंदवाड़ा के प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। मंडी में शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ के साथ बोली की हुई शुरुआत, मूंग की लगी बोली, अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष सहित मंडी सचिव रहे उपस्थित। देश भर में धूमधाम से मनाया गया भाई दूज का त्योहार, बहनों ने भाई के माथे पर टीका लगाकर निभाया प्यार, तो वहीं भाई ने बहनों को दिया उपहार, सूर्य ग्रहण के कारण एक दिन आगे बढ़ा भाई दूज। और नगर पालिक निगम के आदेशों की अवहेलना करना अब पड़ेगा भारी, निगम कमिश्नर ने जारी किया आदेश, अब सड़क पर नजर आए दुकानदार तो होगी कार्रवाई। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही, नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।